हेलो फ्रेंड, आज हो चुकी है 13 जनवरी 2022, दिन हो चुका है गुरुवार का। आइए जानते हैं गुरुवार की आज की ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फटाफट से। देख सकते हैं आज की पहली खबर, पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ में करेंगे बैठक, कोरोना पर जानेंगे राज्यों के हाल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता के विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इसके बाद में आज की अगली खबर है, यूपी चुनाव से पहले बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का ग्राफ, एक ही दिन में मिले 13,000 केस, 3 की मौत। जी हां दोस्तों, यूपी में पिछले 24 घंटों में 13,681 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 700 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, तो वहीं कोरोना की चपेट में आकर 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद में आज की अगली खबर है, महंगाई का झटका, 20% तक महंगे हुए साबुन और डिटर्जेंट। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी की है, और इससे एचयूएल के व्हील, रिन, सर्फ एक्सल और लाइफ बॉय के रेंज के प्रोडक्ट महंगे हो गए। इसके बाद में मौसम को लेकर बड़ी खबर है, एमपी के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे के आसार, ओडिशा छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में बरस सकते हैं बादल। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से बुधवार को जारी किए गए जानकारी के अनुसार पंजाब, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अगले 48 घंटों में शीतलहर की संभावना है, तो वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे और शीत दिवस की स्थिति तैयार हो सकती है। अगली खबर है, दाल नहीं गली तो इमरान खान के आए होश ठिकाने, कहा भारत से अगले 100 सालों तक चाहते हैं शांति। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत और उसके निकटतम पड़ोसियों से शांति रखना चाहता है। कश्मीर मुद्दे के अंतिम हल के बिना ही पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक संबंधों को फिर से पहले जैसा बनाना चाहता है। अगली खबर है, बाहुबली के कटप्पा ने कोरोना को दी मात, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। जी हां दोस्तों, बाहुबली के अभिनेता, तमिल एक्टर अभिनेता सत्यराज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। तो दोस्तों, ये आज के मुख्य समाचार की कुछ काम की खबरें, बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।